सरप्राइज जी, आप कौन? क्या सर, आप मेरे घर पे खड़े होके मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? सर आप बताओ कि आप कौन हो? जी वो मुझे मेरी बीवी से मिलना है। अगर आपको अपनी वाइफ से मिलना है तो आप अपने घर जाइए ना, यहाँ पे क्यों खड़े हो? आप मुझे एक बात बताइए, क्या काजल को आप जानते हो? जी सर, काजल मेरी बीवी है। आप जानते हो क्या काजल को? वो बीवी है मेरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरी बीवी है और तुम अपनी बीवी बना रहे हो उसे? हाँ, कौन आया राहुल? तुम्हारा पहला पति रोहित। तुम यहाँ पर? तुम्हें तो अगले महीने छुट्टी मिलने वाली थी ना, तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ काजल, मेरी छुट्टी अगले महीने ही थी, पर मैंने अपने ऑफिस में दरख्वास्त लगा के अपनी छुट्टी अभी ली ताकि मैं तुम्हारे बर्थडे में आके तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया था, पर यहाँ तो मुझे सरप्राइज मिल गया। रोहित तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना, अंदर बैठ के बातें करते हैं। और ये गिफ्ट, ये तुम मेरे लिए लाए थे क्या? हाँ काजल, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया था, और भी बहुत सारे गिफ्ट लाया था मैं तुम्हारे लिए, पर यहाँ आके तो मैं ही सरप्राइज हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे पीठ पीछे दूसरी शादी की। काजल क्यों किया तुमने ये सब, बताओ मुझे। देखो रोहित, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारा दिल दुखा है और तुम्हें चीट किया है, पर मेरा यकीन करो, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आके मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी की और मैं ये रिश्ता और नहीं निभा पा रही थी, तो मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने राहुल से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। मैं जानती हूँ रोहित कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो प्लीज रोहित मुझे माफ कर देना। अरे अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी काजल, तो मुझसे एक बार बोला तो होता। अरे मैं तुम्हारी शादी करवाता, तुम्हारे घर वालों से बात करता, अपने घर वालों से बात करता, लेकिन तुमने जो मेरी जिंदगी बर्बाद करी उसका क्या? और ये फौज की नौकरी, ये भी तो मैंने तुम्हारे कहने पे की ना काजल। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे फौज की नौकरी क्यों करने को कहा, ताकि मैं अपनी नौकरी में रहूं और तुम मेरे घर में अपने आशिक के साथ अय्याशी कर सको। काजल तुमने कभी सोचा है कि एक आर्मी मैन की लाइफ कितनी टफ होती है? हमें हमेशा बॉर्डर पे खड़े रहना पड़ता है, चाहे कितनी भी धूप हो, बारिश हो, आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम बॉर्डर पे खड़े रह के अपने देश की रक्षा करते हैं। मैंने अपने देश की रक्षा तो कर ली, पर मैं अपने घर की रक्षा नहीं कर पाया, और आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है कि मुझे मेरी बीवी कितना बड़ा धोखा दे रही है। रोहित ऐसे चीखने चिल्लाने से यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, तुम अंदर आके बैठो ना, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। काजल तुम क्या समझाओगी, साफ साफ दिख तो रहा है कि तुमने हम दोनों के साथ क्या किया है। काजल जब तुम मुझसे प्यार करती थी, फिर तुमने इसके साथ शादी क्यों की? तुमने ना हम दोनों को धोखा दिया है। तुम इतनी बेशरम निकलोगी, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और हाँ, अब हमारे बीच में यही सब रह गया क्या? कभी तुम इससे प्यार करो, कभी मुझसे प्यार करो। काजल तुम एक बात बताओ, इसमें मेरी क्या गलती थी, मेरे घर वालों की क्या गलती थी? तुम्हारे लिए ना काजल, मैंने अपने पूरे परिवार वालों से लड़ लिया था। राहुल मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी, पर पहले तुम मेरी बात तो सुन लो। अरे चुप करो, मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली। एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? कभी तुम कहती हो तुम इससे प्यार करती हो, कभी तुम कहती हो मुझसे प्यार करती हो। काजल कर क्या रही हो तुम ये? अरे कोई एक रिश्ता तो ढंग से निभा लो। तुमसे रिश्तों की उम्मीद करना ही बेकार है। अरे अगर तुम्हें रिश्तों की वैल्यू पता होती ना, तो तुम ये कभी कदम उठाती ही नहीं। रोहित एक बार मुझे अपनी बात को कहने का मौका दो। अरे चुप करो काजल, अब मुझे तुम्हारी ना कुछ बात नहीं सुननी। और हाँ, अब मुझे तुम्हारे साथ ना एक मिनट भी नहीं रहना है। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, फिर तुम्हें जिसके साथ भी रहना ना उसके साथ रहो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और हाँ, अब भी मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि ये घर तो मेरा है, तो मेरा डिसीजन रहेगा कि मेरे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। रोहित तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं घर वालों को क्या बोलूंगी और कहां जाऊंगी मैं? अरे भाड़ में गई तुम और तुम्हारे घर वाले, अब भी ना मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। सर मुझे ना आप माफ कर दीजिए, मुझे ना बिल्कुल भी पता नहीं था कि काजल पहले से ही शादीशुदा है, अगर पता होता ना तो मैं उससे कभी शादी नहीं करता। नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और आपको मुझसे माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जिसकी गलती थी उसे सजा मिल चुकी है। अब आप जा सकते हैं। धोखेबाज लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।